जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद एक बड़ा फैसला जिसके अंदर असेशन डे की छुट्टी अब जम्मू कश्मीर के कैलेंडर के ऊपर है, श्यामलाल जी कितना बड़ा डिसीजन है जिसके ऊपर काफ़ी देर से जद्दोजहद की जा रही थी? मुझे लगता है कि ये जो जद्दोजहद की आप बात कर रहे हैं काफ़ी लंबा, उसमें लोगों ने जो है ये मसला जो था उसको टेकअप किया हुआ था, और मुझे लगता है कि बहुत ही एप्रोप्रिएट जो कैलेंडर आया है इन टोटेलिटी, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि देर आए पर दुरुस्त आए। एक कश्मीर की जो एक हेजेमनी लगातार चलती आ रही थी, क्योंकि बात ये भी की जा रही थी कि शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी किस बात की, और वो भी कैंसिल हो गई है, और 13 जुलाई जिसे मार्टियर्स डे का नाम दिया जाता है जो कि आखिरकार एक ब्लैक डे था, इतने लोगों की किलिंग हुई थी, उसके बाद उस चीज़ की छुट्टी को बार बार आपको लगता कि जम्मू कश्मीर के साथ और लोगों के साथ कई बार खेला जाता था इस तरह की? देखिए, जो आप 1931 की बात करते हैं जिसको वो मार्टियर डेज बनाते थे, वो बहुत गलत था, क्योंकि वो लोग जो थे उन्होंने उस समय जेल को ब्रेक किया था। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वो गलत था, और मैंने कहा है कि एक ही शब्द में मैंने कह दिया कि देर आए पर दुरुस्त आए, बहुत ही अप्रिशिएबल जो कैलेंडर है छुट्टियों का वो निकला है, मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। तो आखिरकार एक कश्मीर की हेजेमनी का अंत हुआ है, एसेशन डे उसकी छुट्टी अब जो है जम्मू कश्मीर में दी जाएगी, और उसके साथ साथ शेख अब्दुल्ला की छुट्टी और उसके साथ साथ जो है 13 जुलाई की छुट्टी को भी कैंसिल कर दिया गया। देखते रहें जेके मीडिया, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।